हेलो स्टूडेंट्स, जिवें तुसीं जानते हो कि जिहड़ा असैसमेंट फॉर लर्निंग वाला पेपर है तुहाडा, उहदे विच स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन दे विच जिन्ने जरूरी नमेरिकल ने उन्नी जरूरी ही थ्योरी है। अज असीं थ्योरी वाले पोर्शन दे विच मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरथमैटिक मीन करांगे। ये तुहानूं शॉर्ट नोट विच भी आ सकदा है ते लोंग दे विच भी तुहानूं जिहड़ा ये अरथमैटिक मीन दा क्वेश्चन आउंदा तां उहदे विच मैरिट्स डीमेरिट्स एंड ते तुसीं करनियां होणगियां। पहले नंबर ते असीं करांगे मैरिट्स ऑफ अरथमैटिक मीन। जिहड़ा मीन आ उहदियां की विशेषतावां ने, की गुण ने। नंबर एक ते ईजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करन विच आसान हुंदा है। नंबर दो अफेक्टेड बाय वैल्यू, जे कोई भी वैल्यू चेंज कर दिए असी इस दी तां ए जिहड़ा रकम आ उह चेंज कर दिए तां उसका असर आ जिहड़ा उह आंसर ते पैंदा है। फिर है सिंपल टू अंडरसटैंड, मीडियन ते मोड दे मुकाबले इस नूं अंडरसटैंड करना समझना सौखा हुंदा। फिर हैगा रिजिड मैथमैटिकल फार्मूला, एक पक्का मैथमैटिकल फार्मूला हुंदा है मीन कढ़न दा जिहड़ा कि सानू अपनाउणा पैंदा है। ते जिन्ने भी फार्मूले जिहड़े भी तरीके नाल असीं लगाउने आ, जो भी फार्मूला जिहड़े भी ढंग नाल असीं मीन कढ़दे आ, जिवें शॉर्टकट मैथड नाल, लोंग मैथड नाल, जां जो भी होर तुहाडे मैथड ने, तां हरेक दा आंसर आ जिहड़ा उह इक्को ही आउंदा है। अगे हैगा यूजफुल फॉर अलजैबरिक ट्रीटमेंट, जिहड़ा अलजैबरिक ट्रीटमेंट आ उहदे मतलब कि सवाल आ जिहड़ा आसानी नाल किसी एक नतीजे ते पहुँचया जा सकदा है, कोई इहदे विच अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जिहड़ी घट आउण दे चांस हुंदे ने। फिर है सेंटर ऑफ ग्रैविटी, तां इह जिहड़ा ये दोनों वैल्यू, कोई इहदे विच सीरीज़ दी वैल्यू नहीं दिखदी हैगी कि सीरीज़ दे विच किहड़ा लोकेट करना है पॉइंट, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਰਟਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਲ ਆਈਟਮਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਫੈਮਲੀਅਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਔਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਕੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਈਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਬਸਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ,
कई बार ये नतीजे ने जड़े इस तरह निकलते हैं कि जिन्हों की संभावना नहीं हो सकती, जिमें किसी की एवरेज एज क्ढनी है तो पॉइंटा दे विच आ जाए, तो इस तरह नाल जड़ी डिवाइडेशन है एज की, जां ये कह लो कि गिणती है स्टूडेंट्स की वह पॉइंटा दे विच आ जाए, तो असीं स्टूडेंट्स नूं अद्धे पॉइंट दे विच नहीं वंड सकते, वह पूरे ही आउणगे। तो इस तरह नाल इहदे नतीजे ने जड़े बहुत ज़्यादा वधिया कई बार नहीं निकलते। नॉट यूजफुल इन क्वालिटेटिव डाटा, ये क्वालिटेटिव डाटा तो नहीं लागू हुंदा। जे असी किसी इस तरह की गुण की गल करिए जिमें ऑनेस्टी होगी ब्यूटी होगी तो यह उन्होंने उत्ते लागू नहीं हुंदा, ये सिर्फ नंबर के उत्ते ही लागू हुंदा। फिर है नॉन एग्जिस्टेंस फिगर, कई बार एवरेज की इस तरह की फिगर बनती है, इस तरह का रिजल्ट निकलता जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हुंदा, ये भी यदि वड्डी डीमेरिट आ। अनरीयलिस्टिक, तो कई बार सानू लगता हुंदा कि यह रीयल नहीं हैगा, फेक आ, क्योंकि पॉइंट्स के बीच कई बार फर्क पै जाता तो अप्रोक्सीमेट आंसर है जोड़ा वो निकलता है। फिर है समरी प्रॉब्लम्स, ये उन्होंने वैल्यूज़ के उत्ते नहीं लागू होंगे जिहड़ियां पहला ही समराइज कीतियां हुई होंदियां ने, जिन्हां दा पहला ही निचोड़ कढ़िया हुआ होंगे। तो इस तरह नाल इहदियां ये डीमेरिट्स ने। अज की वीडियो च इन्ना ही काफ़ी, अगे फिर अगली वीडियो दे विच करांगे असी स्टैटिस्टिक्स की थ्यूरी। ओके, थैंक्स।